लोगों से बातचीत नहीं हुआ, तो सोचा कि आज ही क्यों ना एक वीडियो लाया जाए। और ये वीडियो रिलेटेड टू टेलीकॉम है और इसमें मैसेज रिलेटेड है। जो बाल कैसे में होता है मोबाइल में आपका आता रहता है टूंग टांग, जो आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी करता है, तो इसके रिलेटेड है। और वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी SMS में बहुत सारा चीज़ जो है स्पैमिंग एक्टिविटी होता है, जहाँ से फ्रॉड हो जाता है, आप लोगों का पैसा वैसा बर्बाद हो जाता है, इम्पोर्टेंट चीज़ नष्ट हो जाता है। तो वीडियो बनाने का यही मकसद है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग देखिए। इसमें मेरा जितना नॉलेज है वो मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के थ्रू। और SMS में दो ही कैटेगरी है, जो थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते ही है कि DND है, नॉन DND है। लेकिन आज मैं दिखाऊंगा कि DND अंदर भी कितना कुछ है और नॉन DND के अंदर भी कितना कुछ है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन होना चाहिए कि SMS आता है, कौन भेजता है, कैसे भेजता है, उसका क्या क्या है। तो SMS भेजने का जो है नियम, ट्रायल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद जो भी कंपनी SMS भेजेगा तो वहाँ से रजिस्टर कराना पड़ता है। तो समझ लीजिए वो कोई भी ऑर्डर देगा या कुछ भी करेगा या ऑफ़र देगा, तो ऑफ़र मैसेज बनाने के लिए हमने या पहले ऑफ़र लिखना पड़ेगा, उसके बाद SMS भेजेगा तो SMS ही होगा। तो ये सारा कैटेगरी है। आप पहले बोला था ना DND, नॉन DND। तो नॉन DND में दो कैटेगरी आता है, प्रोमोशनल और सर्विस एक्सप्लिसिट। और DND में दो कैटेगरी आता है, ट्रांजेक्शनल और सर्विस इम्प्लिसिट। ट्रांजेक्शनल सिर्फ गवर्नमेंट वालों के लिए है, मतलब गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे ये ही यूज कर पाता है। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है, कोई कोचिंग सेंटर है, कोई मॉल है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ये तीनों ही यूज करता है। तीनों में ये गवर्नमेंट के लिए DND, ये प्राइवेट के लिए DND, मतलब मैं ट्रांजेक्शनल जो है ये गवर्नमेंट के लिए DND और प्राइवेट कंपनी के लिए DND ये है। और बाकी जो दो है ये गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी कोई भी यूज कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोमोशनल SMS जो नॉन DND के लिए है, और सर्विस एक्सप्लिसिट जो है वो नॉन DND के लिए, एडवर्टाइज के लिए ये दोनों SMS काम किया जाता है। एक चीज़ याद में रखिएगा कि ये दोनों कैटेगरी का जो SMS है ना, वो सुबह का 9 बजे से रात को 9 बजे तक ही आएगा, उसके आगे भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। तो ये जो ऑफ़र है, ऑफ़र हमेशा आपका यही होगा ना कि ऑफ़र आपको देना, ऑफ़र के लिए आपको सर्विस एक्सप्लिसिट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉन्सेंट ID, ये बात का चीज़ है, ये बताने का दरकार नहीं है। तो उसके बाद भी आता है कि कौन सा कैटेगरी का मेरा जो कंपनी है वो है। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, हेल्थ, ये सारा 8 कैटेगरी है। एक बार मैंने गिना था, एक बार चेक कर लेता, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरी है। तो ये 8ों में से कोई कैटेगरी में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा कैटेगरी का मेरा कम्युनिकेशन है। तो समझ लीजिए मैंने कम्युनिकेशन IT ब्रॉडकास्ट किया, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद जो भी है मैसेज ऑफर वगैरह जो भी है, उसके बाद लिखने के बाद ये सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद ये मैसेज अप्रूव होता है टेलीकॉम कंपनी के थ्रू, उसके बाद ही वो मैसेज जाता है। तो आज के डेट में जिसका मोबाइल में ट्रू कॉलर है ना, तो जो भी स्पैम मैसेज होता है वो तुरंत पकड़ लेता है, स्पैम एक्टिविटी जो करता है। और जो जेनुइन मैसेज है वो देख के ही पता चलता है कि ये जेनुइन बाल के SMS है। तो ये जेनुइन बाल के SMS बहुत इम्पोर्टेंट भी है और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो फ्रॉड वाला मैसेज है। मतलब आपको KYC अपडेट कर लो, बैंक में पैसा आ गया, लॉटरी मिल गया, ये सारा फ्रॉड मैसेज है। तो वो देख के ही आप पता करिए, क्योंकि उसमें ना कोई कंपनी का नाम ठीक ठाक नहीं रहेगा, मतलब कभी, मतलब जो SMS का बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो ठीक ठाक नहीं होगा, बीच में गैप रहेगा। मतलब चलिए अगर SBI होता है ना, तो S लिखा रहेगा, उसके बाद B के जगह में कुछ, फिर लगेगा कि जो भी बोलना चाहता है वो बोलने का कोशिश करेगा, लेकिन सेम टू सेम नहीं रहेगा। ये ही एक स्पैम SMS चिन्हने का, मतलब पहचानने का उपाय है। और ट्रू कॉलर है तो अभी काफ़ी सारा मोबाइल स्पैम बॉक्स में डायरेक्ट इसको डिलीवर करता है, जो आपको दिखता भी नहीं है। वन प्लस में भी मैंने देखा, सैमसंग में भी देखा, ये सारा कंपनी, जो एप्पल में नहीं होता है, बाकी सारा फ़ोन में ये तो होता है, बाय डिफॉल्ट अटक ही जाता है, वो मैसेज आपको दिखता ही नहीं। तो ये है टोटल SMS वाला बात और DND, नॉन DND वाला बात। अभी फ्रॉड SMS का एग्जाम्पल और क्या क्या दूँ मैं, रिलेटेड टू OTP होगा, और कोई भी मैसेज में, मैसेज के थ्रू अगर कोई अननोन कंपनी, मतलब जहाँ से आपका कोई आता पता नहीं, समझ लीजिए आपने अभी तक लेंस कार्ड में एक भी चश्मा नहीं लिया, और लेंस कार्ड से आपके पास कोई मैसेज आया,
जिसका नाम भी लेंस कार्ट ही है, मतलब मैसेज जिस नाम से आया लेंस कार्ट ही है, और उसमें थोड़ा लिंक है। तो मेरा ये प्लान सजेशन है कि वो लिंक क्लिक ना करे, स्पेशली वो मोबाइल से ना करे जिस मोबाइल में वो बैंक का OTP आता है। दूसरा कोई मोबाइल है, सबके पास आज दो दो मोबाइल है, तो दूसरा मोबाइल में फॉरवर्ड करके देखे ये ठीक है। या अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी आपको दिखा कि अपना कोई लिंक विंक पे क्लिक हो गया, तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, ये बेहतर है, या इंटरनेट ऑफ कर दीजिए। क्योंकि यही इंटरनेट रहेगा तो आप जितना मतलब नॉलेज ले सकते हैं, बहुत सारा बेनिफिट भी है, उतना मतलब नुकसान भी है इंटरनेट का। तो कैसे हम पता करें कि हम DND है कि नहीं है, और DND एक्टिवेट कैसे करें, वो तो बहुत पुराना गल स्टोरी हो गया। अगर DND एक्टिवेट करना है तो एक्टिव DND, यहाँ हम लोगों ने लिख दिया है कैसे DND एक्टिवेट होता है। 1909 में आपको मैसेज, ये पूरा सारा प्रोसेस है, ये वेबसाइट में चला जाइएगा dndfilters.com, इसमें आपको सारा नियम दिया हुआ है, जीरो ब्लॉक मतलब कैसे करें, और DND आपका नंबर है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। जैसे मैं डाल रहा हूँ एक नंबर, ये रेंडमाइज है, मेरा नंबर नहीं है। तो मैंने अपना नंबर पे ही एक OTP लिया, क्योंकि चेक तो करना है, चेक करने के लिए OTP लेना ज़रूरी है। मैंने बाहर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, तो OTP आ जाएगा मेरा नंबर पे, अभी तक आया नहीं, आ गया नंबर। ये अपना मोबाइल पे एक ऐसा मैसेज जाएगा, उसी को मतलब ये एक ट्रांजेक्शनल OTP है। ये सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ये पूरा बता देता है, ये DND रजिस्टर्ड नंबर है, ये देखिए DND रजिस्टर्ड काउंट, यहाँ आप 50,000 तक नंबर एक साथ, ये कमर्शियल के लिए बता रहा हूँ, पर्सनल के लिए नहीं, 50,000 तक नंबर आपको एक साथ फिल्टर करके देगा, मतलब उसके लिए एक नंबर, ये इसके बाद पहले जाना पड़ेगा ना, पहले गया एक नंबर 9932048589, उसके बाद 8 ऐसे दूसरा नंबर दिया, उसके बाद तीसरा नंबर दिया, ऐसा करके आप नंबर को डाल सकते हैं, एंटर डाल के या पूरा एक्सेल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। 50,000 तक यह लिखा हुआ है शायद कहीं, इंटर नंबर ऐसे ही दिया हुआ है कि नंबर, और ये नंबर 50,000 तक कर सकता है, यहाँ कहीं बताया क्या, नहीं बताया, तो 50,000 तक होता है ये मैंने देखा है। यहाँ मैंने सर्च कर रहा था, बैक करता हूँ मैं, और थोड़ा DND फिल्टर्स में जाता हूँ, DND नॉन DND फिल्टर, यहाँ लिखा हुआ है कि 50,000 तक करता है, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया तरीका है DND है कि नहीं आपका नंबर चेक करने का। और आप लोग समझदारी से रहिए, क्योंकि आज के डेट में हम कैसा कैसा स्टोरी सुना कि 60 साल का लोग जो रिटायर हो गया, पेंशन में सब खत्म, ये सब चक्कर में, तो बेहतर है डिजिटल से थोड़ा तो दूर रहिए, ये सारा चक्कर जब तक ख़त्म नहीं होता, कभी ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जितना पुलिस है उससे ज़्यादा तो चोर है, तो लोग दिमाग लगा ही लेता है बदमाशी करने का। अपना सेफ्टी अपना ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा चला जाएगा तो कोई देगा नहीं, ये बात तो आप लोग शायद मानते होंगे मेरे साथ। तो ये है टोटल प्रोसेस, यहाँ से आपका टेम्पलेट एक्टिवेट होता है, और ये सारा नियम भी दिया हुआ है कि ये लोग पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ये कॉमर्शियल चीज़ है ना, तो मैंने कॉमर्शियल चीज़ को ओपन करके ही दिखा रहा हूँ कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। मतलब अगर मैं एक SMS का पैनल खोलूँ, अच्छा चलिए आप लोगों के लिए मैं ये भी दिखाता हूँ, ये एक SMS कैसे जाता है वो भी दिखा देता हूँ। कैसे कैसे मार्केटिंग एक्टिविटी का ऐसे, मतलब अभी ये मैसेज जाएगा नहीं, क्योंकि मेरा पास वो मैसेज नहीं है जो रात को भेज सकते हैं। मैंने कंपनी का नाम, मतलब यही मैसेज नाम से मैसेज जाता है, उसके बाद सेंड नाम किया, उसके बाद समझ लीजिए बर्थडे वाला मैसेज है, तो मैंने यहाँ नंबर डालना शुरू कर दिया।
क्योंकि ये कंपनी करता है कि आपका विश पोस्ट वगैरह कि अपना एम्प्लॉय को विश करे जैसे हम लोग करते हैं, तो ये मैसेज आपका चला गया, आपको जो जिसका भी नंबर मैंने डाला है वो नंबर पे वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि DND है, क्योंकि विश तो कभी भी कर सकते हैं ना। मतलब आप कैटेगरी को कैसे समझेंगे जो ज़रूरी होता है, और मार्केटिंग तो ज़रूरी नहीं होता ना, कंपनी के लिए ज़रूरी होता है, आपके लिए जो चीज़ ज़रूरी होता है वही ट्रांजेक्शन लेते हैं। मतलब आप एज ए कस्टमर जो ज़रूरी है, और जो एडवर्टाइज मैसेज होता है उसके लिए तो आप ज़रूरी नहीं, कंपनी का ज़रूरत है कि कोई ऑफर दे रहा है आपको बताए, तो ये डिमांड कंपनी का दरकार होता है आपका नहीं। तो वो सारा कैटेगरी जो कंपनी को दरकार है वो प्रोमोशनल SMS है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चलिए बाय बाय, आगे ज़रूर मिलेंगे अच्छा एक वीडियो के साथ। टाटा।